श्रीलंका से वनडे सीरीज हारते ही बौखला उठे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। कोच की इस गलती का टीम इंडिया को सीरीज गंवाकर भुगतना पड़ा खामियाजा। तीसरा वनडे हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कैमरे पर निकाली अपनी भड़ास। रोहित शर्मा एंड कंपनी को श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। बल्लेबाजों के फ्लॉप प्रदर्शन के चलते टीम को मैच के साथ साथ अपनी सीरीज भी गंवानी पड़ी। श्रीलंका ने 110 रनों से मुकाबला जीतकर 2-0 से वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। टीम इंडिया की इस हार ने सभी को काफी निराश किया। कप्तान रोहित शर्मा भी इससे बिल्कुल खुश नहीं हुए और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में टीम की कमजोरियों के बारे में बात कर ली। श्रीलंका के हाथों तीसरा वनडे मैच में करारी हार झेलने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा काफी निराश नजर आए। उन्होंने मैच के बाद कहा कि मुझे नहीं लगता है कोई चिंता का विषय है, लेकिन हमने ध्यान से इस पर देखने की जरूरत है और ये कुछ ऐसा था जिसने हमें सीरीज में दबाव में रखा। हमें श्रीलंका को श्रेय देना होगा, वो हमसे बेहतर खेले। हमने परिस्थिति को देखा और तेज गेंदबाज कम खिलाए, इसी वजह से हम इस संयोजन के साथ गए। कुल मिलाकर हमने सीरीज में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला और तभी हम यहाँ खड़े हैं। इस बीच कुछ पॉजिटिव भी रहे, हमारे स्पिनरों ने अच्छी गेंदबाजी की, कुछ बल्लेबाजों ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। हम सीरीज हारे और मुझे लगता है कई एरिया हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम लौटेंगे और देखेंगे किस तरह की परिस्थिति में कैसे खेलना है। सीरीज हारना दुनिया का खत्म होना नहीं है, ये लड़के पिछले कुछ सालों में बेहतरीन खेले हैं। आपको बता रहे कि भारतीय टीम को दूसरे वनडे मैच में 32 रनों से हार झेलनी पड़ी थी, जबकि तीसरा मुकाबला श्रीलंका ने 110 रनों से जीत लिया। वहीं पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच टाई रहा था, जिससे श्रीलंका ने 2-0 से सीरीज जीत ली। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे का अंत हार के साथ हुआ है। दोनों टीमों के बीच खेली गई वनडे सीरीज में टीम इंडिया को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज का आखिरी मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम 110 रनों से हार गई। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट का 45 साल से चला आ रहा एक सिलसिला भी टूट गया। वहीं रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जोड़ी भारतीय कप्तान और कोच की तीसरी जोड़ी भी बन गई, जिसे श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। रोहित शर्मा अब श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए। रोहित से पहले इस लिस्ट में सिर्फ मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर का ही नाम था। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 1993 में श्रीलंका के खिलाफ पहली वनडे सीरीज हारी थी। इसके बाद सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में 1997 में टीम इंडिया को ऐसी हार मिली थी। अब रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज हारने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। आपको बता दें कि इस साल 2024 में भारत की पहली वनडे सीरीज थी। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप के चलते भारत ने सिर्फ T20 मैच ही खेले थे। वहीं साल भारत को अब कोई भी वनडे मैच नहीं खेलना है। ऐसे में टीम इंडिया इस साल एक भी वनडे मैच नहीं जीत पाएगी। ये पहला मौका है जब टीम इंडिया किसी भी साल में एक भी वनडे मैच नहीं जीत सकी। दुनित वेरलागी इस सीरीज में श्रीलंका के लिए सबसे बड़े हीरो में से एक साबित हुई। उन्होंने सीरीज के आखिरी मुकाबले में 5.1 ओवर गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 27 रन खर्च किए और 5 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले साल 2023 में भी उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ ही वनडे में 5 विकेट लेने का कारनामा किया था। आपको बता दें वो दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं जिसने भारत के खिलाफ वनडे में 2 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हों। तो आप भी रोहित शर्मा के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, साथ इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।